दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 43 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये इसका पार्ट वन रहने वाला है। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा इस टाइप का, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। अब आप सभी लोग हमको अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का लर्निंग एप्स डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप सर्च में उदय प्रकाश डालकर हमको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का एक तरीका ये भी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमको डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको एसएससी, रेलवे, बैंक यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके के सारे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मातृकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति एशियाई लागू की गई थी, तो ये कब लागू की गई थी, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। आंसर क्या होगा, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति एशियाई की 7 मूलभूत राशियों में से 2 हैं, वो कौन सी हैं, द्रव्यमान तथा समय। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से सदस्य राशि कौन सी है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी काफी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों का बारूद में लाल रंग निम्न के कारण होता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, हाइड्रोजन, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है। छठवां क्वेश्चन है आपका, केल्विन मान से ज्ञात मानव शरीर का सामान्य ताप है। आंसर हो जाएगा डी। ये भी काफी बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है अन एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का क्रांतिक ताप वह ताप है, यानी कि जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में उस पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फटते हैं, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है, यह भी काफी बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नर पर रखे गए एक फ्लास्क में पानी गर्म किया जा रहा है, इसका क्वथनांक घटाने के लिए फ्लास्क के मुंह का संबंध निर्वात पंप से कर दिया जाए, अर्थात पानी के ऊपर दाब कम किया जाए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, काफी बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगेगा, माउंट एवरेस्ट पर यदि प्रयास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला में जल के पाइप अधिक ठंड में फट सकते हैं क्योंकि, सी हो जाएगा आंसर, जब जल जमता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, यह भी काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे हुए चाल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए गए, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन दर निर्भर करती है उपरोक्त सभी कारणों पर, यानी कि द्रव के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, वायु के ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो, आंसर हो जाएगा ए आपका, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि वस्तु का ताप धीरे धीरे कम किया जाए तो उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होगी, अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश जाता है, यानी कि हीरे से कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है, तो वह लेंस है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो दूरदर्शी में क्या होता है, उपरोक्त सभी, यानी कि उच्च कोणीय विभेदन क्षमता, पर वलयाकार डिस एरियल होता है, सी आपस ग्रहों तथा तारों की जानकारी अधिक विस्तार से देता है, यानी कि आंसर देगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाली रात में पीली बत्ती काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का अवतरणांक सबसे अधिक होता है, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, बैंगनी। यह भी काफी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल प्रकाश नीले प्रकाश में भिन्न होता है, आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सड़क पर खड़े हुए व्यक्ति को अपने सामने लगी हुई शीशे की खिड़की में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो वह शीशा कैसा होगा, अंदर की ओर उत्तल है, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर रमन के जिस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था उसका संबंध किससे है, प्रकाश के प्रकीर्णन से है, आंसर हो जाएगा बी आपका। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेसर एक युक्ति है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आंसर हो जाएगा सी आपका। कला संबंध प्रकाश का उच्च तीव्रता का पुंज उत्पन्न करने की, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है तो दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, होलोग्राफी है, होलोग्राफी है किसी वस्तु के त्रिमीय प्रतिबिंब को उत्पन्न करने व रिकॉर्ड करने की तकनीक, आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, तरंग दैर्ध्य तथा वेग, आंसर हो जाएगा डी आपका। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम प्रतिध्वनि कैसे सुनते हैं, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रबलता को मापा जाता है तो ध्वनि प्रबलता को किससे मापा जाता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा जा चुका है हर एग्जाम में, काफी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आंसर हो जाएगा आवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ती हैं और अपना शिकार भी करती हैं, इसका कारण है, वह पराध्वनि तरंगें निकलती हैं और उनके द्वारा निर्देशित करती हैं, आंसर हो जाएगा आपका डी। 36वां क्वेश्चन है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, यदि ऐसा संभव भी है तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा, अनुनाद के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा जा चुका है, विस्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अनुचुंबकीय है,
ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है दृष्टिकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हट्रज निम्न में से किसका मात्रक है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफी एग्जामों में। हट्रज आवृत्ति का मात्रक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार क्वेश्चन अन्य एग्जामों में पूछा जा चुका है। मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियो धर्मिता वाला तत्व तो है, तो क्या है, कार्बन 14। तो इस पार्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रवर्तक के रूप में, आंसर हो जाएगा आपका डी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये थे कुल 43 साइंस के क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।